मित्रों, बहुत से लोगों को पता होगा कि द्रौपदी के श्राप के कारण ही कुत्ते खुले में ही सहवास करते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि द्रौपदी ने आखिर क्यों और कौन सा श्राप दिया था कुत्तों को, जो इसकी सजा द्वापर युग से लेकर आज तक यानी कि ये कलयुग में भी भुगत रहे हैं? अगर नहीं पता तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम आपको इस बारे में रोचक कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही बहुत लोगों को पता हो। कहानी की शुरुआत द्रौपदी के विवाह से होती है। अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर उन्हें अपने घर लाए तो माँ कुंती ने अनजाने में यह कह दिया था कि जो भी है उसे सभी भाई आपस में बराबर में बांटकर उसका उपयोग करेंगे, और इसी वजह से पांचों भाइयों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा था। आपको बता दे कि यह सब भगवान महादेव का रचा हुआ खेल था। आपको बता दे कि द्रौपदी ने भगवान शिव की पूजा करके उनसे वरदान मांगा था कि उन्हें बल, बुद्धि, कौशल, शौर्य और नैतिकता में परिपूर्ण वर प्राप्त हो, लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका। हर किसी न किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती थी, और इसी वजह से द्रौपदी को ये सारे गुण उनके अलग अलग पतियों में मिले, और इसी कारण उन्हें पांच पांडवों से शादी करनी पड़ी थी। और जब अर्जुन ने द्रौपदी को विवाह करके घर लाए थे तो इसी कारण अनजाने में माँ कुंती के मुंह से ये निकल गया कि इसे आपस में सभी बांट लो, और अपनी माँ कुंती का मान रखने के लिए पांडवों को द्रौपदी से शादी करनी पड़ी। और इसके बाद पांडवों में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेंगी, और जो कोई भी इस निर्णय का दुरुपयोग करेगा उसे 12 वर्ष तक वनवास जाना होगा। और जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती तो दूसरे पांडव को उस कक्ष में आना वर्जित था। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटित हो जिसकी वजह से कुत्ते को यह श्राप मिला कि सहवास करते समय उनको पूरी दुनिया देखेगी। पांडवों ने नियम बनाया था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वो अपनी पादुकाएं द्वार पर उतार दिया करता था, ताकि उसके भाई पादुका देख कक्ष में प्रवेश ना करें। परंतु एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका द्वार के बाहर उतार द्रौपदी के संग प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी द्वार पर एक कुत्ता आया, और खेल खेल में उस कुत्ते ने उस अर्जुन की पादुका उठा ली, और उसे लेकर वो पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। उसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं है, और वो द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह से भीम को अपने कक्ष में देखकर काफी द्रौपदी शर्मिंदा हो गई, और बहुत ही क्रोधित होते हुए उसने भीम से कहा कि उसने कक्ष में प्रवेश कैसे किया जबकि अर्जुन उनके कक्ष में है। इस पर भीम ने बताया कि बाहर कोई पादुका द्वार पर नहीं रखी है। दोनों भाई कक्ष के बाहर आए तो उन्होंने पादुकाओं को खोजना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते वे पास के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा है। द्रौपदी इस बात से बहुत ही लज्जित महसूस कर रही थी और क्रोधित भी थी, तो उसने क्रोध में आकर कुत्तों को यह श्राप दे दिया कि जैसे आज मुझे भीम ने सहवास करते देखा है, उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सहवास करते देखेगी। तभी से माना जाता है कि कुत्ते सहवास करते समय लोग लज्जा की चिंता नहीं किया करते हैं, और मित्रों यही कारण है कि कलयुग में भी द्रौपदी की उस श्राप का असर है।